शिवानी कुमारी। अच्छा, ये कौन सी क्लास है? 10th क्लास है। कौन से कोचिंग में आप पढ़ते हैं? यूनिक स्टडी प्लान। कैसी पढ़ाई लिखाई यहाँ पर होती है? बहुत ही अच्छी होती है। अच्छा, सबसे अच्छा क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पर? मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST, क्या पढ़ाया जाता है? हर विषय अच्छा से पढ़ाया जाता है। हर विषय? रोशनी कुमारी। रोशनी किस क्लास में? 8th क्लास में। 8th क्लास में। अच्छा, क्या आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सबसे अच्छा क्या लगता है? मैथ। अच्छा, A+B का होल स्क्वायर क्या होता है? A² + 2AB + B²। अच्छा, कौन से क्लास में हो? 6th। अच्छा, ट्रांसलेशन आता है? यस सर। अच्छा, मैं लड़की हूँ, क्या होगा ट्रांसलेशन? I am a girl। अच्छा, तुम एक लड़का हो? You are a boy। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी है, जिन पर ना किसी का छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। मेरा नाम हो गया जयशंकर कुमार चौधरी, मेरा MA भी कंप्लीट हो चुका है विथ इंग्लिश ऑनर्स। तो ये मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। और जहाँ तक इस इंस्टीट्यूट की अगर बात करूँ मैं, मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैं आज तक एक भी स्टूडेंट को फेल नहीं, असफल नहीं होने दिया। जबकि रूरल इलाके के इंग्लिश, मतलब बच्चों का इंग्लिश कैसा होता है, ये हम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये मेरा क्वालिटी, आप जो समझिए, इसकी प्रशंसा या फिर कॉम्प्लीमेंट जो समझिए। लेकिन फिर उसके बाद मैं आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ मैंने यहाँ पर इंक्रीज़ किया, जैसे 10+2 वाले का साइंस, फिर आर्ट्स, मैं साइंस में आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारा चीज़ व्यवस्था किया। तो यहां पर एक कंप्लीट एजुकेशन 10+2 का अवेलेबल होने लगा। तो उसके बाद से कंटिन्यूअस मोड में जब रिजल्ट अच्छा होते गया तो आपको साइंस में भी अच्छा रिजल्ट मिल रहा था बच्चों को, और आर्ट्स में भी। आर्ट्स में मैं एक बार, मतलब इसी इलाके के बच्चे को मैं टॉप 10 में पहुंचाया। तो ये चीज बहुत सारे पेरेंट्स को अच्छा लगा और बोले कि सर, जब इतना कुछ आप कर रहे हैं तो 10+2 का जब व्यवस्था है ही, तो आप 6-10 भी कर दीजिए, ताकि हमारे बच्चों को कहीं भटकना नहीं पड़े। तो उसके बाद मैं पेरेंट्स के रिक्वेस्ट पे 6-10 आज से 2-3-4 महीने पहले मैंने ये स्टार्ट किया, और ये 3-4 महीने में आप देख सकते हैं कि हमने कितना कुछ अचीव किया है। आपके कोचिंग में कितने बच्चे होंगे अभी अप्रॉक्स? आप देखिए, हम मतलब एग्जिट इसमें कुछ बच्चे नए आते जाते रहते हैं, लेकिन अप्रॉक्स हम 200 मान करके चल सकते हैं। हर साल बोर्ड एग्जाम में कितने बच्चे आते हैं? इस बार लास्ट ईयर का मैं रिजल्ट बता रहा हूँ। पिछले साल मेरे पास 72 आपको 10+2 के बच्चे थे, आपको 65 बच्चे आपका ये फर्स्ट डिवीजन किए थे। रही बात 400+ का, तो मेरा सबसे हाईएस्ट मार्कर जो बच्चा था इस बार आपको 425 नंबर, 31 को बच्चा था हमारे पास, और 31 का 31 बच्चा फर्स्ट डिवीजन करके गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरा नाम छोटू कुमार चौधरी है। पहले ये सेंटर प्लस टू के लिए जाना जाता था, लेकिन इस ईयर से हम लोगों ने इस सेंटर को 1 से 10 तक कर दिए और प्लस टू के क्लास को हम लोग मधुबनी शिफ्ट कर लिए हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम होता है या? नहीं, यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाई की जाती है। क्या नाम है आपका? सीता कुमारी। किस कोचिंग में आप पढ़ते हैं? यूनिक स्टडी पॉइंट। किस क्लास में हैं? 9th क्लास में। कैसा पढ़ाई होता है इस कोचिंग में? अच्छा। नंदिनी कुमारी। नंदिनी? यस। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में। अच्छा, इस कोचिंग में कब से पढ़ रहे हैं? 3 महीना से। 3 महीना से। हाँ। कैसा पढ़ाई हो रहा है इस कोचिंग में? बहुत अच्छा। अच्छा, सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है? यस सर। क्या नाम है आपका? कृष्णा कुमार। कब से पढ़ रहे हैं इस कोचिंग में? 3-4 मंथ से पढ़ रहे हैं एवरेज। अच्छा, सर लोग का क्या गाइडेंस है, कैसा गाइडेंस है, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे गाइडेंस करते हैं सर? हमेशा गाइडेंस करते हैं सर, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर। हर सब्जेक्ट की तैयारी होती है? यस सर, यस सर। लक्ष्मी कुमारी। कौन सी क्लास है? 8th। 8th क्लास। अच्छा, कैसा पढ़ाई होता है इस कोचिंग में? बहुत अच्छा। क्या नाम है? रोशन कुमार। अच्छा, कहाँ से आते हैं आप पढ़ने के लिए? मारड़ से। मारड़? मारड़ से आते हैं। Yes. अच्छा, ये बताइए इस कोचिंग में आप कैसे आए? किसी ने बताया, मम्मी पापा ने या फ्रेंड ने, कैसे आप इस कोचिंग में पढ़ने आए? मामा बताया, इस कोचिंग का हाल बहुत अच्छा है। इस कोचिंग में हर एक साल जिला टॉपर इंटर में निकलता है, इसलिए आए हैं। यहाँ पे हमारे भैया दीदी पढ़ते थे, इसलिए हम लोग चाहते थे हम यहीं पे पढ़े। हिंदी में कोई पोएम सुनाइए, कोई कविता, 4 लाइन सुनाना है। चाह नहीं सुरवाला के गहने में गुट जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में एक बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर चढ़ू भाग्य पर इठला। माय नेम इज आयुष कुमार। सूरज बना धड़कता है, जिसमें जगत रचाया है, उस प्रभु के पहचान कर आओ हम इसका गुणगान करें। मेरा स्कूल सुंदर है, अंग्रेजी में क्या इसको लिखते हैं? माय स्कूल इज ब्यूटीफुल। अच्छा, मेरे पास एक गाय है। मेरे पास एक गाय है। आई हैव ए कॉ।